नमस्ते दोस्तों, आज वीडियो का विषय नहर के बारे में है। इकोनॉमी एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ पर चर्चा की जा रही है। नहर कटते समय किनारे की मिट्टी क्यों धो जाती है? नहर की सफाई या नहर की कटाई आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई स्थानों पर खेती के लिए पानी मिलना संभव होगा और जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। कई स्थानों पर बहुत सारी खाली जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, पानी के अभाव में खेती नहीं हो पाती है। वर्षा जल को रोककर खेती में उपयोग करने के लिए नहरों को काटना बहुत जरूरी है। इसमें भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर जल का उपयोग बहुत कम किया जा सकता है। समुचित सफाई होने पर जल प्रदूषण का प्रभाव भी कम हो जाएगा। नहरों की सफाई या नई नहरें काटने और नहर के पानी को खेती के लिए इस्तेमाल करने से भी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। इस प्रकार के वीडियो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि एक छोटा सा कार्य या छोटा सा विचार अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है। नहर काटना या नहर की सफाई से पहले हमें नहर की मिट्टी की प्रकृति की जांच करनी होगी, क्योंकि कई मामलों में देखा जाता है कि मिट्टी कटते समय नहर की मिट्टी धह जाती है, मार्सलाइट। परिणाम स्वरूप नहर के किनारे को टूटने से बचाने के लिए से फिर से यूकेलिप्टस, बाम्बू, साल का लकड़ी, टीन, मिट्टी का बोरा से अस्थाई रूप से तट बंध बनाया जाता है, टेम्पोररी गार्ड वॉल की तरह। इससे नई नहर काटने या नहर सफाई का खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए मिट्टी की प्रकृति और नहर के आकार को देखना जरूरी है। वीडियो देखें। पुकार की यू आकार की नहर बेहतर होती है, क्योंकि इसके मार्सलाइट की संभावना कम होती है। वी आकार की नहर के दहने की संभावना अधिक होती है। नहर की ढलान पर घास और समतल क्षेत्रों में पेड़ लगाना बेहतर होता है। पानी सदैव ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर बह जाए। नहर काटते समय ऊंचू एवं निचले क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए। देखा जा सकता है कि यदि नीची जगह पर 2 फीट और ऊंचे स्थानों पर 10 फीट काट दिया जाए तो शायद जल स्तर बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो देखने से आएगा कि ऊंचे स्थानों पर पानी नहीं है और निचले स्थानों पर पानी जमा है, और निचले स्थानों पर पानी ओवरफ्लो की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू।